नोएडा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति का दिल 3 साल पहले फेल हो गया था, मतलब उसके हृदय ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। ऐसे में डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए आर्टिफिशियल दिल लगा दिया था, लेकिन अब 3 साल बाद अचानक उसका दिल फिर से धड़कना शुरू हो गया है। इसके बाद डॉक्टरों ने उसकी छाती से आर्टिफिशियल दिल को निकाल लिया है। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह का ये भारत में पहला मामला है। अभी तक दुनिया भर में करीब 2 या 3 ही ऐसे मामले आए हैं जिनमें मरीजों का दिल फिर से अच्छे से काम करने लगा हो और उसे मशीन की जरूरत ना हो। नोएडा के फोर्टिक्स हार्ट एंड वैस्कुलर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अजय कॉल ने मीडिया को जानकारी दी है कि ये व्यक्ति इराक का नागरिक है। उसका नाम हनी जबाद मोहम्मद है। वो 2018 में यहाँ आया था। वो चल फिर नहीं पाता था, वो बेड पर ही रहता था। हृदय अस्पताल के हृदय ट्रांसप्लांट के लिए दिल मिलना आसान नहीं था। ऐसे में डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए आर्टिफिशियल दिल यानी वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइस उसको लगा दी। अब 3 साल बाद एक तरह से चमत्कार जैसा हो गया, उसका दिल फिर से काम करने लगा है। अब उसे आर्टिफिशियल हार्ट की जरूरत नहीं है। उसे आर्टिफिशियल हार्ट लगाने के 2 हफ्ते बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। बाद में वो इराक चले गए। हर 6 महीने में उन्हें चेकअप के लिए यहाँ आना होता है। डॉक्टरों के मुताबिक आर्टिफिशियल हार्ट यानी LABD छाती के अंदर लगाई जाती है। इस मशीन का तार शरीर से बाहर रहता है, इसके लिए छाती में छेद किया जाता है। ये मशीन बैटरी से चलती है जिसे चार्ज करना पड़ता है। ऐसे में रोजाना ड्रेसिंग भी की जाती है। डॉक्टरों ने बताया कि जब वो भारत आए और हमने उनकी जांच की तो पता चला कि उनका दिल पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसके बाद मशीन की स्पीड को घटा दिया गया है, लेकिन ये मशीन लगी रहने दी। डॉक्टरों ने 2 साल तक निगरानी रखी और अंत में अब उनका आर्टिफिशियल हार्ट निकाल दिया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।